राम राम सभी भाइयों को आज मैं आपको 72 वोल्ट 8 किलोवाट पी एम एस एम दत्ताई ब्रांड की मिड ड्राइव मोटर दिखाने जा रहा हूँ ये कार कन्वर्जन किट के लिए है कार या फिर मैं दिखाऊंगा आपको बताऊंगा आपको कि क्या क्या आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा जो भी मेरे पास अवेलेबल है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह दताई ब्रांड की है सेवनटी टू वोल्ट एट किलो शायद आपको दिख भी रहा होगा डी टी दताई मॉडल नंबर फिर नीचे सेवेंटी टू वोल्ट एट वाट। सिक्सटी वोल्ट सेवेंटी टू वोल्ट दोनों पे ऑपरेट होती है और रेटेड पावर एट किलो वाट पीक पावर जो होटीन किलो वाट टाइप पी एम एस एम परमानेंट मैगनेट शिक्रोनस मोटर इसका रेटेड टॉर्क जो है वो 18.11 पॉइंट वन वन न्यूटन मीटर पीक टॉर्क ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर टू न्यूटन मीटर रेटेड आरपीएम फोर्टी टू हंड्रेड से फोर्टी फाइव हंड्रेड मोटर जो है वाटरप्रूफ है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ है सिक्स फेज में आती है ये सिक्स फेज आपको दिख भी रहे होंगे यहाँ पर ये कनेक्ट किए गए हैं सिक्स फेज इस तरफ है सिक्स फेज इस तरफ है और इस तरफ वाले वायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड दिए गए हैं ताकि अगर मान लीजिए बाई चांस आपने ओवरलोड कर दिया तो मोटर को कोई भी डैमेज नहीं आएगा मोटर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी ये वाले वायर उसको प्रोटेक्ट कर देंगे ये इतने ज़्यादा हार्ड हैं कि ये मुड़ भी नहीं पाते तो उसका कारण यही है कि ये प्रोटेक्शन के लिए दिया होता है तो ये बहुत बढ़िया फीचर होता है दताई ब्रांड में दताई अपनी मोटर में इस तरह का ऑप्शन देती है इसकी मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी जो है वो फोर टन है चार टन यानी कि चालीस क्विंटल ये मैं ग्रोस वेट की बात कर रहा हूँ आप इसको किसी भी प्रकार के एरिया में चला सकते हैं कच्चे पक्के ऊंचे नीचे जैसी मर्जी पर चलाएँ इसकी एफिशिएंसी जो है वो नाइन्टी फाइव परसेंट है मैक्सिमम सिक्स फेज और बिल्कुल ही छोटा साइज़ है दिखने में ये छोटा है लेकिन बहुत ही दमदार मोटर है ये इधर आपको दिख भी रहा होगा सिक्स फेज परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर दत्ताई किसी भी प्रकार के मौसम में इसको यूज़ करें ठंडा गर्म सर्द ऋषु वाला सर्द ऋतु वाला या जैसा भी बारिश हो रही हो तब भी आप इसको चला सकते हैं मोटर का वेट जो है वो एटीन के है लगभग अठारह के और प्योर वाइंडिंग में है नॉन गियर है स्मूथ एंड साइलेंट चलती है और क्वालिटी का तो इसके बारे में तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है कि क्वालिटी कैसी है दताई इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि क्वालिटी को कैसा रखा जाए क्वालिटी ए वन ही रहती है बी एल डी सी मोटर से पी एम एस एम मोटर जो होती है वो थोड़ी एडवांस होती है ये वाली मोटर मान लीजिए एट किलो वाट में ए सी इंडक्शन मोटर होती तो उसका साइज़ इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता ये एटीन के जी है तो वो कम से कम ट्वेंटी फाइव के जी की होती अगर बी एल डी सी होती तो वो भी ज़्यादा ही वज़न की होती लेकिन पी एम एस एम जो है वो एटीन के जी ही है तो पी एम एस एम मोटर जो होती है वो साइज़ में कॉम्पैक्ट हो जाती है इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग होती है ए सी की अलग होती है बी एल डी सी की अलग होती है कॉम्पैक्ट साइज़ पी एम एस एम में ही आता है और पावर ज़्यादा होती है बेटर टॉर्क है इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से माइलेज जो है वो दस से पंद्रह प्रतिशत नॉर्मल मोटर से ज़्यादा मिलती है ये तो उस कंडीशन में है जब रीजनरेटिव ना हो ये रीजनरेटिव भी है तो टोटल माइलेज में जो डिफरेंस आएगा वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू परसेंट बीस से बाईस परसेंट के आसपास आएगा ज़्यादा भी हो सकता है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चलाते हैं रिवर्स मोड में भी थ्री स्पीड मोड है फॉरवर्ड में थ्री स्पीड मोड है और रिवर्स में भी है और सेम स्पीड है ये जो फीचर है वो शायद ही किसी कंपनी के मोटर में होता हो कि रिवर्स में भी सेम स्पीड मिले रिवर्स में सेम स्पीड बहुत ही कम कंपनी की मोटरों में मिलती है अभी बात कर लेते हैं कि ये किस तरह की गाड़ियों में लगा सकते हैं और स्पीड क्या कुछ मिलेगी ये छोटी गाड़ियों के लिए है जैसे नैनो एल्टो वैगनार मारुति 800 हंड्रेड आठ तक उसमें जो स्पीड मिलेगी एट्टी टू एटी फाइव के एम पी एच मिलेगी अस्सी से पिचासी किलोमीटर प्रति घंटा अगर थोड़ी बड़ी गाड़ियों में लगाया जाए जैसे थाउजेंड शी सी तक तो उसमें जो स्पीड मिलेगी वो अप्रोक्स सिक्सटी मिलेगी या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है परफॉर्मेंस और टॉर्क जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा इसको आप बॉक्स के साथ या क्लच प्लेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट इंजन को हटाना है रिमूव करना है और डायरेक्ट ये कनेक्ट कर देना है इसको कनेक्ट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इजीली कनेक्ट हो जाती है और आप किस तरह के प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकते हैं कोई लोडर बनाना चाहें गो कार्ट या गोल्फ़ कार्ट बनाना चाहें उसमें लगा सकते हैं या फिर आप इससे ट्रैक्टर भी बना सकते हैं ट्रैक्टर कौन सा इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं आइसर टू फोर्टी वन आइसर टू फोर्टी टू दो सौ इकतालीस और आइसर दो सौ बयालीस क्योंकि इन दोनों ट्रैक्टर के इंजन रिमूव करना बहुत आसान है किसी दूसरे ट्रैक्टर के मुकाबले क्योंकि इनका इंजन जो है अलग होता है बाकी ट्रैक्टर में ऐसा नहीं होता कि इंजन निकल जाए बट इस ट्रैक्टर जो आइसर 241, 242 है इसमें इंजन को रिमूव करना बिल्कुल आसान है इससे किसी प्रकार का कोई कल्टिवेटर भी बना सकते हैं कोई प्लो भी बना सकते हैं और आइसर 241 या 242 जिसमें भी आप लगाएंगे तो उससे ज़्यादा पावर जो एग्जिस्टिंग इंजन था उससे ज़्यादा पावर ये मोटर देगी दिखने में छोटी है लेकिन उससे ज़्यादा पावर देगी ये ये निश्चित है क्योंकि जब इस तरह की मोटरों को कोई भी मोटर हो उसका गियर रेशो बढ़ा दिया जाता है तो उसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है मान लीजिए आपने ये ट्रैक्टर में लगा लिया तो उस टाइम इसका जो रेटेड टॉर्क होगा मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो सेवन पॉइंट फाइव थाउजेंड यानी कि साढ़े सात हजार न्यूटन मीटर या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा मोटर का जो साइज है लेंथ में ट्वेंटी एट सेंटीमीटर और गोलाई में फिफ्टी फोर सेंटीमीटर किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको लगाएं, गियर रेसो का विशेष ध्यान रखें वन रेशो सेवन गियर रेसो के साथ टॉर्क वन ट्वेंटी सेवन न्यूटन मीटर कंट्रोलर के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ आपको सिक्सटी सेवेंटी टू वोल्ट दोनों पे ऑपरेट होता है रेटेड पावर एट किलो वाट पिक पावर थर्टीन किलो वाट ये कंट्रोलर जो है वो सेवन किलो वाट में भी यूज होता है और एट किलो वाट में भी सेम कंट्रोलर लेकिन ये वाला जो है मोटर वो एट किलो वाट है तो ये एट किलो वाट के हिसाब से ऑपरेट होगा ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है पीक पावर और पीक करंट की बात की जो जाए वो वन एटी न्यूट वन एटी एमपियर शायद आपको दिख भी रहा हो वन एटी एमपियर कॉम्पैक्ट साइज है बिल्कुल छोटा सा साइज़ है और कंट्रोलर का वेट जो केजी है 2.5 टू पॉइंट फाइव है अप्रोक्स और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है ये छोटा है सिक्स फेज आपको दिख भी होंगे नेगेटिव के लिए जो है सिंगल वायर है और पॉजिटिव के लिए टू वायर हैं एक इस तरफ दिख रहा होगा और एक उस तरफ दिख रहा होगा लेफ्ट और राइट right की तरफ अलग अलग है सिक्स फेज होने की वजह से ये टू पॉजिटिव वायर दिए गए हैं और सिक्स फेज होने की वजह से ही इसका साइज जो है वो कम हुआ है एफिशिएंसी 95 फाइव परसेंट मैंने आपको बताया एनडीआर मोड है न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स अगर आप न्यूट्रल पे इसको रखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा ड्राइव पे फॉरवर्ड चलेगा और आर पे रिवर्स यानी कि पीछे की तरफ चलेगा और वन टू थ्री स्पीड है वन टू थ्री स्पीड लो मीडियम हाई का ये फायदा होता है कि माइलेज आप इंक्रीज कर सकते हैं उससे आपकी माइलेज बढ़ जाती है रिजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ है और आपकी बैटरी को ये थोड़ा बहुत रिचार्ज करता है ब्रेकिंग के दौरान जैसे ये आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो पावर सप्लाई कट हो जाती है और जो गतिज ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट यही काम करता है और उसके बाद बैटरी को रिचार्ज करता है मिनिमम बैटरी कैपेसिटी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा कौन सी बैटरी लगानी है कितने ए की होनी चाहिए और उसमें क्या कुछ माइलेज मिलेगी स्मूथ एंड साइलेंट कंट्रोलर का साइज लेंथ में थर्टी सेंटीमीटर और चौड़ाई विड्थ में फिफ्टीन सेंटीमीटर मैं आपको बताया था कि टोटल माइलेज जो है मान लीजिए किसी मोटर में माइलेज एक बैटरी कैपेसिटी से हंड्रेड किलोमीटर मिलती है सेम पावर में सेवेंटी टू वोल्ट किलो अगर कोई दूसरी कंपनी की, की मोटर है या कोई दूसरी मोटर है उसमें सौ किलोमीटर चलती है किसी बैटरी कैपेसिटी में तो इसमें जो माइलेज मिलेगी वो वन ट्वेंटी या उससे ऊपर मिलेगी क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और दूसरा ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ है तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से भी माइलेज बढ़ता है कुछ लोगों को इस बारे में अच्छे से पता होगा कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कितना फ़ायदा मिलता है और हिल एरिया में तो खासकर अच्छा ही मिलता है कंट्रोलर के ऊपर कवर भी आएगा वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा वो धूल मिट्टी से बचाने के लिए होता है मोटर जो हो वाटरप्रूफ है कंट्रोलर भी इसकी जो भी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको पूरी दे दी है और ये इसके स्क्रू लगाने के लिए ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर आप स्क्रू लगाएंगे तभी ये इंस्टॉल होगी और ये इसका कनेक्टर है दूसरी साफ्ट से इस साफ्ट को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर आता है और इसके जो सॉफ्ट है काफी मजबूत दी है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोड ले सके ये इस कंट्रोलर का जो है वो कवर है ये इस तरह से लग जाता है इस पे और ये कंट्रोलर जो है वो प्लास्टिक बॉडी में है और नीचे जो है इसकी एयर कूलिंग डिजाइन दिया गया है शायद आपको थोड़ा बहुत दिख भी रहा हो। इसके साथ वन टू थ्री स्पीड वाला स्विच आता है और वायरिंग की लेंथ जो है वो लगभग ढाई से तीन मीटर के आसपास है उसके बाद एक ब्रेक स्विच है इसी से रीजनरेटिव जो हो एक्टिवेट होता है जैसे ये पुल होता है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं स्प्रिंग के थ्रू ये पुल होता है तो रिजनरेटिव ब्रेकिंग एक्टिवेट होता है उसके बाद एन मोड है न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स अगर आप इग्निशन की ऑन कर दें और उसके बाद न्यूट्रल पे रखे रखें तब भी आपकी मोटर आगे की तरफ नहीं चलेगी जब तक आप ड्राइव पे इसको नहीं लगा देते और ड्राइव पे लगाने के बाद फॉरवर्ड चलेगी आर पे लगाने के बाद रिवर्स चलेगी तो एक ये बढ़िया फीचर है आप विदाउट गियर को टच किए यहीं से रिवर्स कर सकते हैं एक अच्छा फीचर है नेक्स्ट आइटम जो है वो चार्जिंग सॉकेट है आप 25, 30 एमपियर या 20 एमपियर जितने भी एमपियर का चार्जर लगाएं आप इसको लगा सकते हैं वायरिंग आप देख ही सकते हैं मोटी वायरिंग है ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोटी वायरिंग वाला चार्जिंग सॉकेट थोड़ा मुश्किल से ही मिल पाता है ये इग्निशन की है सिवाय गोल्ड का इसकी जो वायरिंग है कंट्रोलर की उस पर इंडिकेट कर दिया जाएगा कि कौन सा किस चीज़ का है ताकि आपको इंस्टॉलेशन में दिक़्क़त ना आए ये बैटरी मीटर है छोटा सा इससे आप बैटरी वोल्टेज देख सकते हैं पता चलता रहेगा कि आपकी बैटरी में कितनी पावर बची है ये कन्वर्टर है सिक्सटी सेवेंटी वोल्ट दोनों पे ऑपरेट होता है और ट्वेंटी एमपियर का है आउटपुट जो है ट्वेल्व वोल्ट ट्वेंटी एमपियर उससे आपके लाइट आपकी गाड़ी के लाइट इंडिकेटर हॉर्न काम करेंगे और इंजन हटाने के बाद गियर बॉक्स और क्लच प्लेट वैसे ही काम करेगा जैसे पहले करते थे सेम वैसे ही उनमें कोई चेंज नहीं होगा जितने पहले गियर डलते थे उतने ही बाद में डलेंगे फाइनल आइटम जो इसमें मिल देगा आपको पेडल थ्रोटल मिलेगा एक अच्छी क्वालिटी का पेडल थ्रोटल भी मिलेगा इंस्टॉलेशन के लिए इसमें खोल दिए हैं जितनी भी जानकारी हो सकती थी मैंने आपको वीडियो में दे दी है फिर भी अगर किसी का कोई भी सवाल बचा है तो वो मुझसे पूछ सकता है मैं कमेंट में उसका जवाब ज़रूर दूंगा इसका प्राइस जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको वहीं पर मिलेगा जिसको लेना हो वो मुझसे संपर्क कर सकता है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू एक बार और चला दें मैंने छोटा बैटरी पैक लगाया है सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये वाला आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में ना लगाएं ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है आपको बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी उससे से आपको माइलेज मिलेगी छोटी सी माइलेज थोड़ी मिलती है ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो